हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि अपनी स्किन को ग्लोइंग कैसे करें, अपनी स्किन को और ज़्यादा फेयर कैसे करें। तो इसमें मैं आपको कुछ नेचुरल टिप्स बताऊंगा, नेचुरल ऑप्शन बताऊंगा, जिससे कि आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई हमारी स्किन ग्लोइंग नहीं है, क्या करें, क्या ना करें, क्या लगाएं, क्या लगाएं, कौन सी क्रीम लगाएं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं लोग कि काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं उस चीज़ में कि हमारी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग बन जाए बिल्कुल ही। बट पैसे वैसे सब कुछ छोड़ो, ये घरेलू नुस्खा है, होम मेड रेमेडी है, तो इसको ज़रूर देखना है। और वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल कलर का बटन नीचे दबा देना और साइड में बेल आइकन उसका भी दबा देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके से, लेट्स गो। और गाइस, एक और बात, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू आप लोगों को कि आपने मुझे इतना सपोर्ट करा, आपने मेरी हर वीडियो को लाइक करा, शेयर करा और देखा और मुझे इतना सपोर्ट करा। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दिस। तो थैंक यू गाइस, 10,000 आपकी वजह से हुए हैं, तो लव यू गाइस। और गाइस, मैं गिव अवे रखने वाला हूँ जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाएंगे, अभी हुए नहीं, लगभग कल तक हो जाएंगे आई थिंक, तो उसमें गिव अवे रखने वाला हूँ। तो कल की वीडियो देखना मत भूलना, कल एक नई वीडियो आएगी, उसको देखते रहना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, सॉरी अगर आपको कुछ भी नॉइस वगैरह आ रही होगी, तो साइड वाले घर पे काम चल रहा है। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा बेसन, ग्राम फ्लोर, ये बेसन चाहिए। एंड आपको चाहिए होगा मिल्क, इसके अंदर दूध है, दिखने पर गिरना या कहीं, तो ये इसके अंदर दूध है, मिल्क, तो इन दोनों को हमको मिक्स करना है। चलिए मिक्स करते हैं। तो ग्राम फ्लोर ये है बेसन, एंड इसमें थोड़ा दूध मिक्स करना है। थोड़ा सा दूध मिक्स कर देना बस, एंड इसको अच्छे से मिक्स कर देना, पूरा इसका पेस्ट बनाना है बिल्कुल सही तरीके से। इसको आपको लगाना पूरे फेस पे अच्छी तरीके से। तो चलिए लगाते हैं। सो गाइस, मैंने ये लगा दिया। इस पेस्ट को मेरे को सूखने के लिए रहने देना जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, एंड ड्राई होने के बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो इसको 15-20 मिनट ड्राई होने देना, जब तक ये पूरा टाइट सूख ना जाए। ओके, तो उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इसको लगाने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, आपको आगे देखने को मिलेंगे कि क्या मेरी स्किन में रिजल्ट आया है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये सूख चुका है, इसको हमको रब करके निकालना पड़ेगा कोल्ड वाटर से। इसको मैं धो के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बिल्कुल, मेरा मुँह हिल नहीं पा रहा बिल्कुल भी, ना मैं स्माइल कर पा रहा हूँ। तो इसको मैं बिल्कुल रब करके इसके बाद आपको मिलता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि तो कैसा मेरे को रिजल्ट मिला, इससे मेरी स्किन ब्राइट हुई या नहीं हुई। तो चलिए आते हैं। सुबह इधर फेस वॉश करके आ चुका और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। सिर्फ दो चीज़ को लगा के, बेसन और मिल्क, इन दोनों का पेस्ट लगा के मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि देख सकते हो आप खुद ही, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा फ्रेश और काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई अब। सो गाइस, मुझे नहीं लगता कि कोई और क्रीम लगाऊं या कुछ और लगाऊंगा तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा जितना मुझे इससे मिला है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करना है। इसको आप वीक में दो बार लगा सकते हो, और इसके बाद आपको एक अच्छी सी कोई भी फेस क्रीम लगानी, क्योंकि इसके बाद आपकी स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है। तो स्किन को मॉइस्चर, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आपको इसके बाद फेस क्रीम लगानी पड़ेगी। कोई भी, कोई सी अच्छी सी मैंने लगाई नहीं, बट मैं लगाने जा रहा हूँ तो उसको लगाऊंगा फेस क्रीम। तो इसको बिल्कुल लगाने का सिंपल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, कैसे कैसे क्या क्या आपको यूज़ करना है, कैसे कैसे मिक्स करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और गाइस, हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं और हमने गिव अवे भी रखा है आपको, जैसे मैंने बता रखा कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट डे तक, कल तक हो जाएंगे। और उसके बाद मैं एक वीडियो में गिव अवे रखने वाला हूँ, उसमें आपको बता दूंगा क्या गिव अवे, कैसे कैसे डिटेल सारी उसमें आएगी। तो मुझे इंस्टाग्राम में ही फॉलो करना, क्योंकि गिव अवे का रिजल्ट इंस्टाग्राम में ही मिलेगा। तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर साइड में आईडी आ रही होगी और नीचे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आप जैसा देख सकते हो, मेरे फेस में काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो चुकी है, पहले से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो गाइस, डेट्स इट, ये थी वीडियो अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, वो भी घर पे नेचुरल तरीके से। सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करा मैंने, बेसन और मिल्क का सिर्फ। तो ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और शेयर कर देना जिन भाइयों को ग्लोइंग स्किन चाहिए उनके लिए, और कमेंट भी कर देना, अपने दिल खोल के कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और आपको कौन से नए टॉपिक चाहिए, कौन से नए टॉपिक पे वीडियो देखनी है आपको, वो भी सजेस्ट कर सकते हो आप नीचे कमेंट करके, या हमारे इंस्टाग्राम में जाके। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ भी हो आप पूछ सकते हो हमसे। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेक्सी।